प्रदेश में सफारी अभ्यारण्य और नेशनल पार्क बनने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब बांधवगढ़ नेशनल पार्क में आने वाले दर्शकों को अफ्रीकन चीता भी देखने को मिलेगा, यह कहना है वन मंत्री विजय शाह का। और साथ ही शाह ने टाइगर की संख्या दोगुनी होने की बात भी कही है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही सफारी अभ्यारण्य और नेशनल पार्क बनेंगे। साथ ही प्रदेश में लगातार हो रही टाइगर की मौत के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का धन्यवाद देना चाहिए। आज भी प्रदेश में 526 टाइगर हैं, जिसके चलते एमपी को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। टाइगरों की मौत होने के बावजूद आज आपको धन्यवाद देना चाहिए मध्य प्रदेश शासन को, हमारे कर्मचारी अधिकारी को। 526 टाइगर हमारे पास है और हम हिंदुस्तान में टाइगर स्टेट का दर्जा लिए हुए हैं। कोई भी टाइगर 10-12 साल किससे ज़्यादा नहीं जीता। आज बांधवगढ़ में, कान्हा में और पेंच में ये स्थिति है कि जितने एरिया एक टाइगर को लगता है उससे दोगुने टाइगर हैं। तो जब दोगुने हो जाएंगे तो आपसी द्वंद्व भी होगा, फिर झगड़े के लिए वो बाहर जाएंगे और बाहर जाएंगे तो फिर जनता से भी। तो ये भी कुछ बहुत सारे कारण हैं और हम धीरे धीरे, आपने मुख्यमंत्री ने भी देखा है, 2-4 सफारी, 2-4 अभ्यारण्य, 1-2 नेशनल पार्क हम लोग और बना रहे हैं। और चाहे नौरा देवी हो, चाहे आपका सागर हो और चाहे आपका गांधी सागर हो, वहाँ पर हम अभी हमने हिरणों को शिफ्ट किया है, बहुत जल्दी हम वहाँ टाइगरों को भी शिफ्ट करेंगे ताकि ये जो चीज़ें जो आप बता रहे हैं ये ना हो और ज़्यादातर अच्छे तरीके से टाइगर रह पाएँ। अच्छी बात यह है कि कूनो पार्क, जहाँ पर हम बब्बर शेर के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे अब अफ्रीका का चीता आने के लिए भारत सरकार ने एक टीम भेजी है। तो गांधी सागर में या कूनो में बहुत जल्दी आपको अफ्रीका के चीते भी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही मंत्री शाह ने बांधवगढ़ टाइगर सफारी में जल्द ही अफ्रीकन टाइगर लाने की भी बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज़।